हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो। अब देखिए, यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, कुछ हमें फिगर्स के अंदर दिया हुआ है, यानी ड्राइंग दी हुई है, इनको हमें मैच करना है। अब देखिए, फर्स्ट है हमारा 2 × 1/5, यानी 2 ऐसे पार्ट्स हैं जिसके अंदर 1/5 या फिर 1 शेडेड है 5 out of 5 पार्ट्स। तो सबसे पहले तो चेक कीजिए 2 कहाँ पर पार्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे कितना सर्कल्स हैं, देखिए 1, 2, 3 हैं, यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो 2 यहाँ पे है, तो ये क्या कौन से, इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन के अंदर, इसको लिखेंगे 1/2। वैसे देखिए, ये वाला डी वाला जो पार्ट है हमारा, इसके अंदर देखिए कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और कितना सर्कल्स हैं 2, और कितने को शेड किया हुआ है, 1/5 को शेड किया हुआ है, और कितना सर्कल्स हैं 2। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, इसको हमें मैच करना है, मैच वाले क्वेश्चन हैं। सेकंड पार्ट देखिए, 2 × 1/2, यानी 2 पार्ट्स हैं जिसके अंदर 1/2 शेडेड है। तो देखिए यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं, या फिर 2 रेक्टेंगल्स हैं और इनके अंदर 1/2 शेडेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड का बी। अब थर्ड पार्ट देखिए, 3 × 2/3, यानी 3 पार्ट्स हैं जिसके अंदर 2 × 3/2/3, यानी 2 शेडेड है आउट ऑफ 3। तो सबसे पहले चेक कीजिए कहाँ पर हैं 3 पार्ट्स, देखिए इसके अंदर भी 3 हैं और इसके अंदर भी 3 हैं, लेकिन इसके अंदर देखिए आप 2 शेडेड है आउट ऑफ 3। इसको कैसे लिखोगे आप फ्रैक्शन के अंदर, 2/3, और कितना सर्कल्स हैं, 1, 2, 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 × 2/3। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा ए। फोर्थ देखिए, 3 × 1/4, अब 1/4 यानी 1 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 4, और कितने पार्ट्स हैं टोटल 3, यानी 1, 2, 3 एंड 1 शेडेड आउट ऑफ 4, यानी 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट्स हैं, इसमें से 1 को शेड किया हुआ है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा सी। मैंने ये आंसर लिखे हैं यहाँ पे नीचे, देखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इनको भी हमें उसी तरह से अरेंज करना है। अब इसके अंदर हमें देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट के अंदर हमें आंसर्स नहीं दिए थे, इसके अंदर आंसर दिए हमें, जैसे 3 × 1/5 इज इक्वल्स, देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3, नीचे 5 है तो 5, ये दोनों नंबर नहीं कट रहे हैं, तो इसको एज इट इज ही लिखेंगे। अब देखिए 3/5, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए 3 को मल्टीप्लाई किया 1/5, यानी टोटल तो हमारे पास में 3 पार्ट्स हैं और उनके अंदर 1 out of 5 पार्ट इज, 5th पार्ट इज शेडेड। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 and 5, 5 पार्ट्स हैं, फर्स्ट को 1 को शेड किया हुआ है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स हैं, 1 को शेड किया हुआ है, टोटल 3 पार्ट्स हैं, यहाँ पे 1 को शेड किया हुआ है, 1 out of 5 शेडेड, और टोटल कितना है 3 है, तो 1, 2, 3, और इनका रिजल्ट कितना आया है 3/5, यानी 1, 2, 1, 2, 3, 3 शेडेड है आउट ऑफ 5। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, ये सी पार्ट है, तो 1 का हो जाएगा सी। उसी तरह से ये सेकंड देखिए, 2 × 1/3, अब देखिए 2 पार्ट्स हैं और उनके अंदर 1 out of 3 इज शेडेड, देखिए 2 पार्ट्स हैं, ये रे 2, इनमें से 1 शेडेड है आउट ऑफ 3, और रिजल्ट कितना आया 2/3 रिजल्ट आ गया, यहाँ पे देखिए 2 शेडेड है आउट ऑफ 3, तो इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। अब थर्ड पार्ट देखिए, 3 × 3/4, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9/4, कितना हो जाएगा ये 9/4। अब इस 9/4 को क्या किया, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लिख दिया है, जब इसको हम लोग डिवाइड करके मिक्स्ड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1/4। अब इसका ऑब्वियसली आंसर देखिए ए हो चुका है, सी हो चुका है, तो ऑब्वियसली आंसर बी ही होगा। अब इसको समझिए कैसे होगा, ये 3 पार्ट्स हैं, तो देखिए 1, 2, 3 पार्ट्स हैं, अब उसमें से क्या दिया हुआ है कि 3 out of 4 इज शेडेड, अब देखिए 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हैं सब में, और क्या दिया हुआ है 3 शेडेड हैं, 1, 2, 3 शेडेड 3 पार्ट्स शेडेड हैं। अब हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए 2 1/4, देखिए 2 1/4 का मतलब हो गया 2 तो पूरे शेडेड होंगे, देखिए ये वाले दोनों शेडेड हैं, फुल शेडेड हैं, और जो थर्ड वाला पार्ट है इसके अंदर 1/4, यानी 4 ब्लॉक्स में से 1 शेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। मैंने ये आंसर्स लिखे हैं, आप आंसर देख सकते हैं, इनमें से फर्स्ट का हो जाएगा सी, सेकेंड का बी, थर्ड का सॉरी सेकेंड का ए, थर्ड का बी। सो वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें ये फ्रैक्शंस के साथ में मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर इनको चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा 7 × 3/5,
तो 7 3 21 ये हो जाएगा 21/5। डिनोमिनेटर के नीचे देखिए हर नंबर के नीचे क्या होता है 1। 7 3 21 1 × 5 = 5। अभी हमारे पास में एक नॉर्मल फ्रैक्शन में आ गया है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, 21 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 4 20, रिमाइंडर बचा 1। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं QR/D की फॉर्म में। अब देखिए Q हमारा यहाँ पर है क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट यानी 4, रिमाइंडर यानी R यानी 1, रिमाइंडर R मीन्स रिमाइंडर इक्वल्स टू 1 एंड D मीन्स डिवाइजर यानी 5। तो ये हो जाएगा हमारा 4 1/5। अब इसको वापस भी चेंज कर सकते हैं, देखिए 5 4 20 + 1 21/5। इसको चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें लिखा हुआ है कन्वर्ट इन टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे। इसका सेकेंड पार्ट देखिए 4 × 1/3, तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, तो 4 के नीचे क्या आ जाएगा 1, 4 × 1 = 4 एंड 1 × 3 = 3, तो हमारा आ गया 4/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 3, रिमाइंडर बचा हमारे पास में 1, तो 4 − 3 = 1। इसको लिखते हैं हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, QR/D की फॉर्म में। अब देखिए Q क्या है हमारे पास में, क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट यानी 1, रिमाइंडर भी 1 और डिवाइजर कितना है 3, तो इसको लिखेंगे 1 1/3। इसको वापस चेंज करेंगे तो देखिए 3 1 3 + 1 4 यानी 4/3। थर्ड पार्ट देखिए इसका 2 × 6/7, तो 2 6 = 12/7, 12 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये 7 1 7, पीछे बचा 5। इसको लिखेंगे हम लोग QR/D, क्यू यानी क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट यानी हमारा कितना आया 1, रिमाइंडर आया 5, डिवाइजर आया 7, तो इसको लिखेंगे 1 5/7। फोर्थ पार्ट देखिए 5 2 10/9, इसको डिवाइड करो 10 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 1 9, रिमाइंडर बचा 1, इसको लिखेंगे QR/D की फॉर्म में, क्यू यानी क्वेश्चेंट यानी 1, रिमाइंडर यानी 1, डिवाइजर यानी 9, 9 1 9 + 1 10/9। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 2/3 × 4, तो 2 4 = 8। अब चाहे नंबर ऐसे हों या फिर ऐसे हों, हमें मल्टीप्लाई के अंदर अगर कैसे भी सीरीज दी हुई हो, हमें सिर्फ उनको मल्टीप्लाई से मतलब रखना चाहिए। 2 4 = 8/3, 8/3 है, इसको 8 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 3 2 = 6, रिमाइंडर आया 2, इसको लिखेंगे वापस किस फॉर्म में, QR/D, क्यू यानी क्वेश्चेंट, क्वेश्चन यानी कितना आया हमारा क्वेश्चन 2, रिमाइंडर आया 2 और डिवाइजर है हमारा 3 यानी 2 2/3। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए 6, ये हो जाएगा 5 6 = 30 30/2। अब देखिए 30/2 ये दोनों हमारे कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं, यानी 2 15 = 30। अब हमारे पास में इससे डिवाइड करने के लिए कोई नंबर ही नहीं है, नंबर है हमारे पास में 1, लेकिन 1 लिखें या फिर नहीं लिखें एक ही फर्क, एक ही बात है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15। नाउ सॉल्विंग 7th क्वेश्चन। अब देखिए 11 × 4/7, तो 11 4 = 44/7, इसको हमें वापस कैसे लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखना है, तो 44 / 7, तो हमें पता है 7 6 = 42, रिमाइंडर बचा हमारे पास में 2, इसको कैसे लिखेंगे, QR/D की फॉर्म में, Q यानी क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट कितना आया 6, रिमाइंडर आया हमारे पास में 2, डिवाइजर आया हमारे पास में 7। अब 8th क्वेश्चन देखिए 20 × 4/5, तो ये दोनों नंबर देखिए वापस कट रहे हैं, 4 और 20 नंबर्स कट रहे हैं, 5 4 = 20, तो ये हो जाएगा 4 × 4 यानी 16, डिवाइजर इसके डिवाइड में कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 16 ही है, तो हमारा आंसर सिर्फ 16 ही रहेगा। अब ये है 13 × 1/3, तो 13 1 13/3, ये देखिए नंबर दोनों नहीं कट रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे 13/3, यहाँ पर डिवाइड करो इसका 13/3, तो 13 4 = 12, रिमाइंडर बचा हमारे पास में 1, इसको कैसे लिखेंगे, QR/D, Q यानी क्वेश्चेंट 1 1/ Q कितना हमारे पास में, क्वेश्चेंट कितना आया 4, रिमाइंडर आया 1, डिवाइजर आया 3,
तो 3 4 12 प्लस 1 13 अपॉन 3 एज इट इज आ रहा है। अब ये वाला देखिए 10th क्वेश्चन, ये नंबर देखिए दोनों कट रहे हैं, 5 और 15 क्या हो रहे हैं एक दूसरे से कट रहे हैं, क्योंकि 15 है वो मल्टीपल है 5 का, 5 3 15, 3 × 3 = 9, कोई डिवाइड के अंदर नंबर नहीं है, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा 9। थैंक यू।